कराची च कुछ खानदान अजे भी हैं जिन्हें कुरबानी किए जानवर भी खरीदया है पर वो ईद डी कुरबानी करन तो कासिर हैं क्यों जो इन्हां दे जानवर या तो बकरा मंडी तो ही खास किए गए या उन्होंने घर के बहरों नामालूम अफराद ये जानवर खिनते फरार थी गए। शहर कायद की रहायशी अजि एक फैमिली ईद कुरबान दिन डी अपने उ लाडले और पले हुए बकरे को याद करते गुजरेंदे पैन जिन्हों का बकरा ईद के कुछ दिन पहले ही नामालूम अफराद खासते फरार थी गए। मेरा बकरा बाहर बांधा हुआ था, हम अंदर जानवर को बांध रहे थे, जानवर मसाला दे रहे थे अंदर, भैंसे को मसाला दे रहे थे। बच्चे यहाँ से मोहल्ले के बच्चे खोल के ले गए उसको, वहाँ से कोई आदमी आया तो उनके बच्चे उसे वो जानवर ले बकरा ले लिया। हम बड़ी उम्मीद से लाए थे, बकरा हमारा बड़ा अच्छा था, उसके बाद हमें बकरा नहीं मिला। अरे ये परेशान है, हम बहुत ढूंढा नहीं मिला हमारे को। अपने बकरे को याद करेंदे इन खानदान के अफराद आखन है जो आम डी आवाम को मोबाइल फोन और कीमती सामान तो महरूम करने की कार्रवाइया तो थन्दिया हैं पर हूँ ईद के मौके पर कीमती जानवर की लुटमार भी शहरियों को तंग करते रख दिते जिंदे किते हुकूमत को हर साल कुर्बानी के जानवर की सिक्योरिटी वास्ते भी इकदाम करने चाहिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो है इसे हिफाजती इकदाम करें जो कुर्बानी करते हैं उनके लिए, ताकि उनको भी सहूलत हो। यहाँ की हमारी जो है पुलिस को, इलाके की पुलिस को जो है इतना मजबूत करे कि जो है ये इस तरह के हादसा वगैरह और ये जो कुर्बानी के जानवर वगैरह गुम होते हैं इससे जो है आवाम को तहफ़ हासिल हो। अजे हालात जिन वेले महंग अरूज से हुए और इंसानी जिंदगी जानवर की जिंदगी तो भी सस्ती हुए उतना हूँ जानवर भी हुकूमत को अपनी सलामती और जिंदगी वास्ते सिक्योरिटी का मुतालबा करेंदे हैं। कैमरामैन जैन अली के नाल जावेद हुसैन रोही टीवी कराची।